वी ऑल नो अबाउट द स्टोरी ऑफ द हेयर एंड टॉर्टॉइस. एक खरगोश था और एक कछुआ, दोनों के बीच में कॉम्पिटिशन हुई और जब उन्होंने रेस किक स्टार्ट किया तो मिडल ऑफ द रेस में खरगोश सो गया और ऐसा सोया कि कछुआ अपनी धीमी चाल पर भी चलते चलते एक डिसिप्लिन अप्रोच को लेकर कछुआ जीत गया. दिस स्टोरी हैज गॉट अ ग्रेट लेसन हिडन इन इटसेल्फ. इट टॉक्स अबाउट द पावर ऑफ डिसिप्लिन एंड एट द सेम टाइम इट टेल्स अस, मेक्स अस अवेयर अबाउट द पेन ऑफ रिग्रेट. क्या क्या खरगोश ने, खरगोश जो बहुत पावरफुल था, खरगोश जिससे रेस में कभी कोई जीत ही नहीं सकता था, ही हैड ऑल द पोटेंशियल, ही हैड ऑल द पावर्स टू बिकम द विनर. शायद दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जो सोच सके कि खरगोश हार सकता है. लेकिन खरगोश हार गया. क्यों हारा? क्योंकि उसने अपनी डिसिप्लिन को छोड़ दिया. एक रेस की जो डिसिप्लिन होती है उसने उसको मिस कर दिया. रेस करते करते वो सो गया. सो क्या होता है हमारी लाइफ में व्हेन वी मिस ऑन आवर डिसिप्लिन? जब हम अपने डिसिप्लिन को, अपने अनुशासन को छोड़ देते हैं, वी आर डूम्ड टू फेलियर. डिसिप्लिन लीड्स अस टू सक्सेस. डिसिप्लिन हेल्प्स अस टू गेट अवे फ्रॉम सेंस प्लेजर्स. हम एक शरीर बोध में जीते हैं, जैसे खरगोश शरीर बोध में था. रेस करते करते उससे इच्छा हुई थोड़ा रिलैक्स कर लूँ, थोड़ा सो जाऊँ, थोड़े अपने बॉडी को प्लेजर दे दूँ. इस बॉडीली प्लेजर में अटक के, इस सेंस प्लेजर में अटक के खरगोश एक कछुए से हार गया. आप खुद सोचिए कितनी बार एक खरगोश होते हुए भी आप कितने कछुओं से हार जाते हैं, जस्ट बिकॉज यू लूज ऑन द डिसिप्लिन. ऑन द अदर हैंड कछुआ जिसमें जीतने की कोई क्वालिटी नहीं थी, कोई एबिलिटी नहीं थी, कोई पोटेंशियल नहीं था. नोबडी विल एवर बेट ऑन कछुआ कि वो जीत सकता है. इट वॉज अ शॉक. बट जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स कंसिस्टेंट एफर्ट, जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स डिसिप्लिन्ड अप्रोच, स्लो एंड स्टेडी इट वॉन द रेस. कहते हैं ना, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस. सो दिस इज अ ब्यूटिफुल एग्जाम्पल राइट इन फ्रंट ऑफ योर आईज, हाउ स्लोली एंड स्टेडिली वर्किंग ऑन अ डिसिप्लिन्ड अप्रोच अ टॉर्टॉइस वॉन ओवर द हेयर. एक खरगोश से एक कछुआ जीत गया. इसी प्रकार हम लाइफ में बहुत सारी चीज में कछुए हो सकते हैं. वी माइट नॉट बी दैट ग्रेट, वी माइट नॉट बी बॉर्न विथ ऑल द एबिलिटीज एंड द कैपेबिलिटीज टू अचीव दैट सक्सेस, बट इफ वी आर कंसिस्टेंट इनफ, इफ वी हैव द परसिवियरेंस, इफ वी हैव द राइट डिसिप्लिन, देन लाइक अ टॉर्टॉइस वी आर बाउंड टू विन. सो दिस इज ऑल अबाउट द पावर ऑफ डिसिप्लिन. डिसिप्लिन जो वर्ड है ना, इन द इंग्लिश अल्फाबेट इफ यू पुट द नंबर्स टू इट, लाइक डी स्टैंड्स फॉर 4, ए स्टैंड्स फॉर 1, बी स्टैंड्स फॉर 2, इस तरह से अगर हम इस वर्ड को नंबर करेंगे देन इट एड्स टू 100. डिसिप्लिन टेक्स यू टू 100% सक्सेस. अगर आप में एबिलिटीज़ की भी लैकिंग है, अगर आप में वो रिक्वायर्ड कैपेबिलिटी भी नहीं है, बट अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं, सो स्लोली एंड स्टेडिली यू कैन विन ओवर ऑल दीज थिंग्स दैट आर कीपिंग यू बैक एंड विल पुश यू टुवर्ड्स सक्सेस.